students appearing for NEET 2023 or CUET are waiting for their academic calendars or the notification for registration. बट बच्चों आप जानते हो कि जो एन टी ए है वही एक सिंगल बॉडी है जो जितने बड़े बड़े एग्जाम्स है एकेडमिक एग्जाम्स उसको एकेडमिक कैलेंडर वही देता है. जैसे कि दिसंबर मंथ में बहुत सारे बच्चे जो इस बार ट्वेल्थ बोर्ड देंगे वो अपने बोर्ड के एग्जाम स्केड्यूल का वेट कर रहे हैं, जो जेई देंगे वो जेई का, नीट वाले नीट के नोटिफिकेशन का, एंड सीयूईटी वाले सीयूईटी के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं. और सारी की सारी चीज़ें अरेंज करने वाला है एन टी ए, तो उसे भी देखना होगा ना कि डेट जो है वो क्लैश ना हो, आपकी सीबीएसई बोर्ड के साथ ना क्लैश हो. तो ये सारे कारण भी है क्योंकि सीबीएसई ने अब तक अपना डेट तो रिलीज किया नहीं है. और ये जो दो साल थे जो पैंडेमिक ईयर कहा जाता है, इन दो साल में एनटीए की भी प्लानिंग जो है वो बहुत गड़बड़ हो गई थी. कभी किसी साल दो बार वो एग्जाम ना लेकर के चार बार लेना पड़ गया था जेई मेंस. हालांकि अब वो अपने पुराने स्केड्यूल में वापस आना चाह रहा है. तो टेंटेटिव डेट्स जो है वो आपको मीडिया पोर्टल्स के थ्रू ही मिल रहे हैं, वो कि अभी हालांकि उसकी श्योरिटी नहीं है कि वही डेट रहेगी. ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है जो आप रैंडमली अपने दिमाग में रख सकते हो. अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आपका जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है यानी कि CUET 2023, उसके रजिस्ट्रेशन जो होंगे विल बिगिन इन द मंथ ऑफ फरवरी, क्योंकि फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने को मिड ऑफ फेब से. हालांकि इट्स नॉट मैंडेट, ये जरूरी नहीं है क्योंकि अभी CBSE ने कोई नई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाल लिया, तो इसीलिए सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन तो फरवरी में हो सकता है लेकिन एग्जाम उसका अप्रैल के थर्ड वीक से पहले नहीं होगा. तो क्योंकि जेई भी लेना है नीट भी लेना है तो इस वजह से, और सीबीएसई या सीआईएससी या किसी भी स्टेट बोर्ड से इनके डेट्स क्लैश भी ना होने चाहिए, कोलाइड भी ना हो, तो इसीलिए सीयूईटी वालों ने थर्ड वीक ऑफ अप्रैल से अपना एग्जाम का स्केड्यूल बनाया. हालांकि इट इज स्टिल टेंटेटिव, जो भी खबर होगी बच्चों वो आपको चैनल के माध्यम से ज़रूर दी जाएगी, इसलिए आप चैनल के साथ बने रहिए. नीट की जो भी रजिस्ट्रेशन है उसकी चांसेस है, वही मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से यही लग रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर या नहीं तो हो सकता है सेकेंड वीक में चला जाए. सेकेंड वीक मैक्सिमम रख लो कि तब तक आपका डेट आ ही जाएगा. और बच्चों आप इसकी फिक्र मत करो, आप अपनी तैयारी में लगे रहो, अभी भी आपके पास वक्त है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट. जो भी कंटेंट रिक्वायर्ड होगा हम एग्जाम के टाइम में सारी चीज़ें आपको देंगे, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए. ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स.